हेलो, अभी देखो, मैंने अभी आपको बताया था कि कैसे आपको मैंने ट्रायल बैलेंस पे सब लिख के लेने का। अभी मैंने अभी अपन लोग पोस्टिंग करेंगे, बराबर है? मैंने पोस्टिंग करके रखा है, आपको समझा देता हूँ। देखो, यहाँ पे अपन ने लिखा था स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ये देखो टू ओपनिंग स्टॉक 30,800, क्लियर? फिर देखो परचेसेस, यहाँ पे सैलरीज गलती से आया है, उसको मत ले लो, स्क्रिप्ट टू परचेसेस। देखो परचेसेस कितना है, 80,000, ये देखो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है 80,000। ये कभी भी इनर कॉलम में ही लिखने का, क्योंकि मे बी परचेस रिटर्न होगा तो अपने को यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। अगर परचेस रिटर्न नहीं है तो यहाँ पे डैश करो और इसको क्या करो, आउटर कॉलम में ले लो और 80,000 को, क्लियर? उसके बाद वेजेस, तो यहाँ पे देखो टू वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, क्लियर? अच्छा, सैलरीज था तो सैलरीज को मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में मैंने लिख लिया है। ओके, सैलरीज आपका कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, ठीक है? ये देखो 5,000। उसके बाद आपका कैरेज, कैरेज दिख रहा है आपको, तो मैंने कैरेज लिख दिया 3,000 ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। उसके बाद रॉयल्टीज, रॉयल्टीज किधर है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, तो मैंने लिख दिया ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। फ्रेट ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, तो मैंने लिख दिया ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1050 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, ये देखो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1050 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। फिर सैंड्री डेटर्स, सैंड्री डेटर्स आपका असेट साइड में जाएगा, तो देखो मैंने सैंड्री डेटर्स आपका असेट साइड में लिखा। उसके ऊपर आपके एडजस्टमेंट है, इसीलिए मैंने इसको इनर कॉलम में लिखा 43,000 और एक जगह छोड़ दिया। उसके बाद आपका आएगा फर्नीचर, ये देखो फर्नीचर 20,500 फर्नीचर, ओके? उसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है, इसीलिए मैंने इसको इनर कॉलम में लिखा और एक जगह छोड़ दिया, ठीक है? फिर लीज होल्ड प्रॉपर्टी 25,000, देखो लीज होल्ड प्रॉपर्टी मैंने आउटर कॉलम में लिख दिया। उसके बाद आपका आएगा इन्वेस्टमेंट, देखो 15,000, इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं, आउटर कॉलम में चला गया। फिर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, तो देखो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड 30,3450, क्लियर? उसके बाद आपका आएगा एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर हिडन एडजस्टमेंट है 30,000, ओके? तो यहाँ पे देखो 30,000 और यहाँ पे आपका लिखा है 3 ईयर्स, तो यहाँ पे आपका लेस करना है आपको, लेस एडवांस, एडवांस एडवर्टाइजमेंट या प्रिपेयर लिखा तो भी चलेगा, ठीक है? आपका 30,000, तो 30,000 डिवाइड बाय 3 करना है, तो 30,000 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो कितना आएगा, 10,000, मतलब करंट ईयर का 10,000 है। इसका मतलब 20,000 आपका क्या रहेगा, एडवांस एडवर्टाइजमेंट। इसके बाद इसका सेकेंड इफेक्ट जो होता है वो असेट साइड में जाता है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हिडन एडजस्टमेंट का, एडवांस एडवांस एडवर्टाइजमेंट कितना किया है, 20,000, क्लियर? उसके बाद आपका आएगा एडवर्टाइजमेंट के बाद आपका आएगा बैड डेट, बैड डेट का देखो ये पूरा फॉर्मेट ऐसा लिखने का, देखो मैंने लिखा टू बैड डेट 500, उसके बाद ऐड न्यू बैड डेट्स, फिर न्यू आरडीडी, फिर एक जगह छोड़ के ओल्ड आरडीडी, ये फॉर्मेट हमेशा ऐसा ही होना चाहिए, क्लियर? डिस्काउंट अलाउड, ये देखो डिस्काउंट अलाउड 1,800। उसके बाद कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये कहाँ जाता है, असेट साइड में जाता है। देखो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक दोनों असेट साइड में, आउटर कॉलम में। फिर फिक्स डिपॉजिट के ऊपर एडजस्टमेंट है, इसीलिए मैंने इसको इनर कॉलम में लिखा असेट साइड में। अब ट्रेडिंग ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड, पहला कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ये देखो मैंने लिखा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस कैरिड डाउन। उसके बाद सैंड्री क्रेडिटर्स, सैंड्री क्रेडिटर्स हमेशा लाइबिलिटी में लिखते हैं, तो ये देखो सैंड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी में लिखा, पर यहाँ पे चार पांच जगह छोड़ के यहाँ पे कैपिटल लिखने का, उसके बाद लिखने का, डायरेक्ट ऊपर नहीं लिखने का। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट, ये देखो यहाँ पे लिखा मैंने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है, इनर कॉलम में, क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट है। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट आपका लाइबिलिटी साइड में आएगा, ये देखो बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000, और सेल्स आपका 1,20,000, ये देखो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में मैंने 1,20,000 लिखा। सेल्स रिटर्न कुछ भी नहीं है, हमेशा इनर कॉलम में लिखने का, सेल्स रिटर्न नहीं होगा तो फिर आउटर कॉलम में चला जाएगा। इसके बाद आपका एडजस्टमेंट आएगा, पहला एडजस्टमेंट कौन सा है, क्लोजिंग स्टॉक वाला एडजस्टमेंट, दिख रहा है आपको स्टॉक, बराबर ना, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, तो कौन सा लेना है आपको, 35,000, और लिखना कैसे है, यहाँ पे आपका ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखने का बाय क्लोजिंग स्टॉक, चार पांच जगह छोड़ के लिखना है, फिर यहाँ पे लिखना है आपको 35,000, क्लियर? उसके बाद उसका सेकेंड इफेक्ट जो होता है वो कहाँ जाता है, असेट साइड में, तो यहाँ पे आपको लिखना है क्लोजिंग स्टॉक, बराबर है, असेट साइड में, और कितना लिखना है अमाउंट, 35,000, क्लियर? अब इसके बाद देखो इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 1,200, तो उसका ऐड आएगा, यहाँ पे ऐड लिखेंगे इंटरेस्ट रिसीवेबल, क्योंकि अभी तक अपने को मिला नहीं है, मिलने वाला है, पर ये करंट ईयर का है, इसीलिए हम लोग यहाँ इसमें ऐड करेंगे,
तो ये आपका हो गया 16,200। और इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, जो बाय इंटरेस्ट ऑन एफ डी है ना, वहाँ पे ऐड होगा इंटरेस्ट रिसीवेबल। ठीक है, कितना आएगा इंटरेस्ट रिसीवेबल 1,200। इस तरह आउटर कॉलम में जाएगा 2,200। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा प्रोवाइड आरडीडी एट 2.5% ऑन सैंडी डेटर्स। तो मैं पीछे जाऊंगा और पीछे मतलब वर्किंग नोट पे यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं आपका एक वर्किंग नोट बनाऊंगा, वर्किंग नोट नंबर वन कैलकुलेशन ऑफ आरडीडी। अभी आपका सैंडी डेटर्स है कितना, आपका सैंडी डेटर्स है 20,200। ओके, तो आपका सैंडी डेटर्स है 20,200, तो 20,200 के ऊपर कितना परसेंट, 2.5%। आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये दो जीरो चले गए, 202 × 2.5, तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा सैंडी क्रेडिटर्स। ठीक है, तो आपको सैंडी क्रेडिटर्स कितना आएगा, ये कितना हो जाएगा, आरडीडी कितना हो जाएगा, तो आरडीडी आपका आ जाएगा 1075। कितना आएगा 1075 न्यू आरडीडी। ठीक है, एक बार ये कैलकुलेट हो गया फिर आप लोग आगे जा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे जाते हैं। बैठा वेट, मुझे तो समथिंग रॉन्ग लग रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैंने निकाल के दिया है। अच्छा, मेरा मिस्टेक था, सैंडी डेटर्स 43,000 है, उसके ऊपर 2.5% 1075। फिर ये 1075 हम लोग कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे न्यू, ये यहाँ पे न्यू आरडीडी के सामने 1075। क्लियर, तो यहाँ पे आपका कितना आएगा 1575। ओल्ड आरडीडी कुछ भी नहीं है, इसलिए आउटर कॉलम में 1575। उसके बाद ये अमाउंट सैंडी डेटर्स में से क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, सैंडी डेटर्स में से माइनस, कितना माइनस हो जाएगा 1075 लेस आर डी डी न्यू, कितना है आपका 1075। तो इसका आंसर आउटर कॉलम में आएगा 41,925। क्लियर, अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट अपने को देखना है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आपकी क्या है, तो फर्नीचर, डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 5%। तो यहाँ पे जाओ वर्किंग नोट नंबर टू कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। ठीक है, आपका फर्नीचर है कितना, तो आपका फर्नीचर है 20,200, तो 20,200 के ऊपर कितना परसेंट है हम लोग के लिए, तो 5%। ठीक है, तो अपना कितना अमाउंट आएगा पर 20,200 के ऊपर 5% अगर हम लोग करते हैं तो 1010 ये अमाउंट आती है। बराबर है, फिर इसको पीछे जाओ, यहाँ से आपको लेस करना है फर्नीचर में से, लेस डेप्रिसिएशन 1010। ठीक है, तो 1010 अपने को क्या करना है, माइनस करना है, 1010 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 19,190। और इसका सेकेंड इफेक्ट जाता है यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1010। क्लियर, अब अपने को क्या करना है, अभी अपने को क्या करना है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखनी है आपकी। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, तो गुड्स ₹8,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ ₹6,000। तो कहाँ लिखना है अपने को, यहाँ पे लिखना है बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फायर बाय डिस्ट्रॉयड बाय फायर, कितना खत्म हो गया, तो 8,000। ओके, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 8,000, अरे इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम कितना है 6,000, मतलब ये हमारा फायदा हो गया। तो यहाँ पे असेट साइड में अपने को लिखना है इंश्योरेंस क्लेम, ये देखो इंश्योरेंस क्लेम, कितना इंश्योरेंस क्लेम 6,000। ओके, तो इसका मतलब अपना नुकसान कितना हो गया 2,000, तो ये 2,000 हम लोग कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में टू लॉस बाय फायर 2,000। क्लियर, ओके, तो ये आपकी सारी एडजस्टमेंट अभी खत्म हो गई है, पोस्टिंग भी खत्म हो गई है। अभी हम लोग को क्या करना है, टोटलिंग करना है। ठीक है, अभी हम लोग टोटल करने जा रहे हैं। सबसे पहला टोटल किसका करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के टोटल करेंगे,
ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल करते हुए अपने को अगर हम लोग ठीक से देखेंगे, मैंने दोनों बाजू का टोटल कर लिया है तो मुझे क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा बड़ा आ रहा है। तो यहाँ पे अपना अमाउंट आ रहा है 1,63,000, क्लियर। फिर सेम अमाउंट में यहाँ पे लिखूंगा 1,63,000 और उसमें से ये सारी अमाउंट में माइनस करूंगा, जो आंसर आएगा उसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, ठीक है। तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 38,500। सेम ग्रॉस प्रॉफिट मैं ट्रांसफर करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, यहाँ पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन। तो ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन कितना आ गया, तो मेरा आ गया 38,500। अब मैं फिर से एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की टोटल करूंगा, कौन सी साइड बड़ी है वो देखूंगा। तो मेरे ख्याल से मेरी जो टोटल है वो क्रेडिट साइड की टोटल बड़ी आ रही है, ओके। तो मैं क्रेडिट साइड की टोटल करता हूँ तो मुझे आती है 40,700, ठीक है, 40,700। फिर 40,700 में से ये सारी अमाउंट में माइनस करूँगा तो मेरा आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन, ठीक है। मेरा नेट प्रॉफिट कितना आया, 14,815। अब इसको मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे, तो मैं कहाँ जाऊँगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे जाके मैं क्या लिखूँगा, बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉड डाउन। अब वही देखो, यहाँ पे मुझे कोई रेशो दिया नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पे इक्वल, जब कोई रेशो नहीं देते तो इक्वल लेना है। मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो कितना आया, 7,408 और 7,407। फिर मैंने इसकी टोटल कर दी तो यहाँ पे आपका आया 87,408 और 87,407। फिर मैंने यही अमाउंट सेम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखी है, बराबर है, 87,408 और 87,407। फिर यहाँ पे ऊपर तो कुछ भी नहीं है तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन 87,408 और 87,407। और ये बैलेंस जो है वो बैलेंस शीट में अपने जो कैपिटल लिखा है वहाँ जाएगा 87,408 और 87,407, क्लियर। अब इसकी जो टोटल है वो अपने को लिखना है, दोनों का टोटल कितना हो रहा है, 1,74,850, क्लियर। अब अगर मैंने ये सबका टोटल कर दिया तो ये सबका टोटल कितना आ रहा है मेरा, तो ये सबका टोटल आ रहा है 2,05,315, बराबर है, 2,05,315। अब मुझे क्या करनी है, असेट साइड की टोटल करनी है। अगर मैं पूरी की पूरी असेट साइड की टोटल करता हूँ, ओके, तो मेरा कितना आ रहा है, देखो आप लोग, तो मेरा यहाँ पे आ रहा है 2,05,315, ठीक है। अभी देखो आपके बुक में जो है वो इंश्योरेंस क्लेम की अमाउंट जो है वो गलत लिखी हुई है, तो आप बुक में, जब आप बुक में देखोगे तो आप बहुत संभाल के देखना। इसीलिए मैं ये सारे सम भले इलिस्ट्रेशन बुक में दिए होंगे फिर भी मैं सॉल्व करके क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि बुक में बहुत सारे जो सम्स है वो बहुत मिस्टेक्स है उसके अंदर, ओके। तो इस तरह ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो पूरा का पूरा सॉल्व हो गया है, ठीक है। तो ये आप लोग कॉपी डाउन कर लेना, मैं इसका फोटो भी आपको भेज दूंगा, ओके। ये आपको जो क्वेश्चन है वो आपको यूट्यूब में, अपना जो चैनल है रोगेश ट्यूटोरियल्स का, हम लोग ने किया। फाइनल अकाउंट जो है वो बहुत बड़ा टॉपिक्स है, उसके जो वीडियोज है वो आधे आधे हाफ एन आवर्स के बनते हैं, तो हाफ एन आवर्स के जो है वो व्हाट्सएप में नहीं जा रहे हैं, बराबर है कि नहीं, या जाने में दिक्कत आ रही है, इवन आप लोगों का भी मेमोरी बहुत कम होगा तो उसमें वो ओपन करने में बहुत दिक्कत आती होगी। इसीलिए मैंने यूट्यूब में ये सब डालना शुरू कर दिया, तो आप लोग ठीक से देख लो ये सब क्वेश्चंस, और धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, रोज करेंगे, ओके।